लंबी लाइन में लगे हैं, बहुत लंबी लाइन लग रही है। देखो नमः पार्वती पते हर हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, हम सभी बहुत अच्छे हैं। आज है महाशिवरात्रि, जैसे कि आपको पता ही है आज शिव जी का दिन है, तो मैंने फास्ट रखा हुआ है और मेरी सास ने भी, खुशी ने भी, कान्हा और इसके पापा ने नहीं रखा, तो हम तीन जनों ने रखा हुआ है फास्ट शिव जी की कृपा से। आज थोड़ी तबीयत ठीक है, क्योंकि कल जैसी तबीयत हो गई थी तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं फास्ट रख पाऊँगी। तो गाइस, बच्चे तो गए हुए बाहर घूमने के लिए, दादी बैठी हुई है धूप में और मैं भी जा रही हूँ ऊपर धूप में, तो चलिए ऊपर चलते हैं, थोड़ा धूप में बैठते हैं। गाइस, यहाँ पे बैठी है दादी। हेलो दादी, ओम नमः शिवाय। आज दादी का भी बर्थ है, शिवरात्रि मुबारक हो सबको। हाँ, आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और देखो धूप क्या चमक रही है। कान्हा जी खुशी तो गए हुए घूमने के लिए, और वो देखो उनकी नई गाय आ गई है और उनका बच्चा गाय का कैसा है ये कालू सा, ये देखो आ गए हैं। हाँ। बहुत भीड़ हो रखी है यहाँ। तो क्या, तुम कहाँ, कौन से मंदिर में गए थे भाई? हम दोनों देख के आए थे। वो जो बंदे दोनों मंदिर में, जो आगे भी है उधर वाले भी। अच्छा, बहुत भीड़ हो रही है, बहुत लाइन लग रखी है। गाइस, दादी चली गई है मंदिर, कहने का मतलब है मैं भी जाऊंगी, पर पहले दादी को वो बाहर तक छोड़ रहे हैं ना, और फिर वो बोल रहे हैं कि तेरे को ले जाऊंगा। मैंने कहा पैदल चले जाएंगे, बोले नहीं मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ, फिर मैं आ जाऊंगा घर पे। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उनकी ड्यूटी है ना, वो थोड़ा आराम करेंगे और हम घूम के आते हैं मंदिर में। बोल रहे बहुत भीड़ है, देखते हैं आज कैसा माहौल है ना। सो गाइस, मैं आ गई हूँ यहाँ मंदिर में शिव जी के। आज चलिए अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं। सास तो अंदर चली गई है, अब मैं जाती हूँ। चलो आ जाओ, आपको दिखाती हूँ। गाइस, इधर आ रखे हैं देखो सारे, इधर है शिव मंदिर। चलो अंदर चलते हैं, यहाँ तो लाइन लग रही है आज। ये देखो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है इधर। गाइस, हम भी लाइन में लगे हैं, बहुत लंबी लाइन लग रही है, देखो पीछे तक दिख रही है, पीछे तक वो पूरी लाइन लगी हुई है, हम भी लग गए लाइन में। ये देखो ये बेल का पेड़ है इतना बड़ा, और इस पे बेल के फल भी आए हुए हैं। देखो बरगद का पेड़ भी एक छोटा सा और एक बेल का पेड़ है। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ इस मंदिर में, यहीं पे ही है हमारे घर के नज़दीक, बट आ जाना हुआ। गाइस, फाइनली आ गए हैं, थोड़ा सा रह गया बस शिव जी के दर्शन के लिए। वो वहां से लाइन लगी हुई थी देखो। गाइस, यहां पे सब धूप दीप बत्ती दे रहे हैं, यहां पे हवन होता है ना, यज्ञ वगैरह यहीं पे होता है। ये बेलपत्री का पेड़ है। गाइज आ गए हैं शिव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। दादी ने भी घंटी बजा ली। आ गए शिव जी के धाम, भगवान जी के दर्शन करने। शिव जी महाराज जी यहाँ बैठे हैं, हमारे भोले बाबा। चलो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हर हर महादेव।
आ गए गाइस हम लोग बाहर शिवजी जी के दर्शन करके। दादी ने चढ़ा दिए भेड़ पावर। अब भीड़ कम हो गई है वैसे भीड़ कम है, लोग बाग जा रहे हैं इधर उधर। ये देखो ये क्या है इनका तो पता नहीं, बट जो भी है हमें तो इनके बारे में पता नहीं क्या है ना, मूर्ति नहीं रखी है ना। जय श्री राम, जय बजरंग बली। ये हमारे बालाजी सरकार यहाँ पे बैठे हैं प्रभु। अपने लिए ले रही हूँ। जय सीताराम जी, राधा कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी। इधर माता रानी, मेरी मेरी माता। आंटी जी प्रसाद दे रही हैं, धन्यवाद आंटी। चलो गाइज अब चलते हैं, ले इनको मैं धर लिया। गाइज यहाँ पे प्राचीन बावड़ी मतलब कुछ पानी का वो होगा ना स्रोत। हाँ सही बोल रहे हो, है ना। शिव जी को जो दूध चढ़ा रहे हैं ना वो इधर जा रहा है, सारा पानी इसके अंदर कलेक्ट हो रहा है। और ये प्राचीन शिव मंदिर है, देखो यहाँ पे लिखा है बड़ा बड़ा। तो चलिए गाइज अब चलते हैं घर की तरफ, शिव जी के दर्शन कर लिए। यहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं बहुत सारे। चलिए गाइज अब चलते हैं घर की तरफ। नहीं थोड़े थोड़े दादी को आज इस वाले मंदिर में दिखा दिया गेरा शिव जी का। दादी और मैं घूमते घूमते आ गए हैं घर की तरफ। आज हमने कहा पदयात्रा ही करते हैं, चलो। नहीं तो वो बोल रहे थे स्कूटी लेके आऊँगा, मैंने कहा नहीं पैदल ही चलते हैं। और हम लोग अब पैदल ही आ रहे हैं, बस आने वाला है घर। आज भगवान जी के दर्शन भी हो गए। बच्चे क्या कर रही थी? कुछ नहीं कुछ नहीं। तू भी चलती मस्त लग रहा था, वहाँ मंदिर है बहुत बढ़िया। अभी आई रे थोड़ी देर पहले, चाय बनाई है खाली। चाय भी मुझे तुम गाइज अभी आई रहे हैं थोड़ी देर पहले और आप बनाइए गुड़ वाली चाय। और ये भी सो के उठ गई, इनका भी जाने का टाइम हो गया, ड्यूटी 12:30 बजने वाले हैं। ये रही हमारी गुड़ की चाय, दादी की फेवरेट। तो चलिए चाय पीते हैं, चलो। हाँ ये गाय को रोट, अरे ये तो बंद कर रखा है, चले जाऊंगी मैं यहाँ से। चलो गाय को रोटी दे देते हैं। कालू, अरे कालू तेरे को घाम लग गया? अच्छा जीवड़ा को बिहा रहे हो भूरिया। चलो बाय। खाना का काम बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कहना नहीं मानता ये लड़का। मिल गया ये देख, चोर जैसा। आ नीचे गाइस, देखो सूर्य भगवान जी जा रहे धीरे धीरे घर की तरफ। और ये आ रखा है कूद फांद के दूसरों की दिवाले हैं। आ नीचे, थक गया मैं, आ जल्दी आ, काम है आजकल बहुत ऑफिस में। जंप मार ले गए यहाँ से यहाँ तक कर, 1 2 3 गो। ओ भाई साहब, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पितामह। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी तारा। ओम जय शिव ओंकारा, हरे हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट कण में दूर करे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम मुदुकेन्द्रहारम सदाशिवम भवम भवानी सतम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु संस्था त्वमेव, त्वमेव विद्याक्रम त्वमेव, त्वमेव देवम मम देव देवो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसको बता क्या कहते हैं, पता होना चाहिए तेरे को। गाइस ये रहा खाना, ये रहा पानी, और ये रहा बूंदी का रायता, और हम लगा रहे हैं भगवान जी को भोग। और गाइस आज जैसे कि आपने देख लिया है बन रही है आलू पूरी, ये है
देखा एक पूरी बनाई है, रायता है, बूंदी का और ये तेल बनाया है, सब्जी बनाई है और यहाँ पे है सब्जी। गाइस अब हम सबके लिए खाने डाल रहे दादी आज खा रही है रोटी, रोटी मिर्च भी नहीं, मिर्च सोने से पहले अच्छी तरह ब्रश करती हूं। तो गाइस चलिए खाना खाते हैं, खाने की तैयारी हो गई है, आप लोग भी खाना खाओ कटोरी में।